तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है बोया BY-M1 की माइक। तो गाइज आज हम इसी माइक की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या क्या मिलता है और इस बोया माइक को क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइज हम आज की इसी वीडियो में इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करने वाले हैं। जी हाँ गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, क्योंकि गाइज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज हम इस डब्बे को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है एक ये, इसको हम पहले बाहर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है ये कुछ यूज़र मैनुअल जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको एक वारंटी कार्ड कुछ मिलता है, इसको भी हम साइड पर रखेंगे। उसके बाद हम इसको बाहर निकालते हैं माइक को। जी हाँ गाइज इसको भी हम साइड पर रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक कुछ एडाप्टर, इसको भी हम साइड पर रखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कवर है ये लेदर का कवर है, यहाँ पर लिखा है बोया। जी हाँ गाइज बोया ब्रांड यहाँ पर बना है। तो फटाफट से हम इसको बाहर निकालते हैं, इसको भी हम रखते हैं साइड पर। तो देख सकते हैं गाइज सबसे पहले हम इसको करते हैं ओपन। यहाँ पर मिलता है सबसे पहले हमें एक क्लिपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम साइड पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिलता है एक हमें फोम, जो मतलब माइक को आगे लगाते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये है बोया BY-M1 की माइक, ये जो फोम है गाइज इस फोम को हम लगाएंगे यहाँ पर आगे। गाइज फोम लगाने के बाद ये जो क्लिपर है इसको लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से, देख सकते हैं गाइज ये कुछ इस तरह से बना। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पर मैं खोलूँगा, इसके अंदर है एक सेल, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो शूट करेंगे तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं अभी इधर ही रखता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर लिखा है कैमरा और लिखा है ऑफ स्मार्टफोन। जी हाँ गाइज अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो शूट करेंगे तो आपको इस बटन को नीचे की तरफ रखना है, यानी कि स्मार्टफोन की तरफ। तो अगर आपको मतलब कैमरे से वीडियो शूट करना है तो आपको इसको ऊपर देना है इस तरह से, तो आपको वीडियो शूट करना है। जी हाँ गाइज तो गाइज अब हम देखेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी है। गाइज अभी तक जो मेरी वॉइस है ये हो रही है रिकॉर्ड Redmi 9A मोबाइल से, अब मैं करूँगा इस माइक से बोया BY-M1 से। जी हाँ गाइज देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। जी हाँ गाइज अब मैं ये माइक यूज़ करूँगा आपके सामने। तो देख सकते हैं गाइज इसी माइक को मैंने अभी कनेक्ट किया। तो गाइज मैंने अब इस माइक को कनेक्ट किया, आपको मतलब पता चल रहा होगा कि कितना डिफरेंस मतलब मोबाइल के अभी तक जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। जी हाँ गाइज माइक बहुत ही ज़बरदस्त है गाइज, अभी मुझे पता नहीं है कि अभी मतलब इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि गाइज मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फर्स्ट बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी अच्छे से उतना यूज़ भी नहीं करने आता है। मुझे आप वीडियो एडिट करते ही वक्त पता चलेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी है। जी हाँ गाइज आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं जल्दी को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।